परिवार के आपको पसंद नहीं आए तो करना चाहिए। रुको रुको लेट किया, हमने नहीं किया, एक घंटे से कह रहा हूँ अंदर चलो, खोल दिया ना ये बैठे, कोई नहीं है, दो घंटे से अंदर आए आप लोग, हम अंदर नहीं होगा, रोड जाम नहीं कर सकते आप, रोड जाम नहीं होगा। ज्ञापन प्राप्त हुआ आलोक मीणा उसके परिजन, जो मृतक आलोक मीणा उसके परिजन है और उनकी ओर से ज्ञापन मिला है जिसमें जैसे कि उन्होंने जो मांगे रखी हैं हमने इस संबंध में पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी वो तफ्तीश करेंगे और जो एक वांछित जो अभियुक्त जिसके बारे में बताया उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय में जो भी जिस धारा में मुकदमा दर्ज होगा उस नियमानुसार महोदय राशि दे दी जाएगी। 1 फरवरी 2020 को कोतवाली चित्तौड़गढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक 9 वर्ष के बालक के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके तहत जब पुलिस ने अनुसंधान किया तो कुछ ऐसे तथ्य अनुसंधान में सामने आए, कुछ फुटेज, कुछ और जानकारियां सामने आई जिसके आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध है उनको राउंड अप किया, उससे और गहरी पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि वो कहीं उस बच्चे को अपने साथ लेकर गए थे। जो संदिग्ध है वो उसी मोहल्ले में पीड़ित, जो पीड़ित बालक है उसके पड़ोस में ही रहने वाले थे सलमान, उनको पुलिस ने फिर इस प्रकरण में बाद अनुसंधान अरेस्ट किया
और उनकी निशादेही से उनकी जानकारी सामने आई और उनकी निशादेही से कि एक बावड़ी में उस बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की गई। थोड़ा सा इस प्रकरण को लेकर लोगों में आक्रोश था क्योंकि जिस तरीके से 9 वर्ष के बालक का इस तरह से गायब होना और फिर उसकी डेड बॉडी मिलना, तो पुलिस ने लोगों के साथ समझाइश की। पुलिस और प्रशासन की वार्ता के बाद अब लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं और आने वाले समय में उसमें जो जो भी कानूनी धाराएं हैं, सही कानूनी धाराएं लगा के प्रकरण का डिप्टी एसपी स्तर से अनुसंधान पूर्ण करवाया जाए। प्रथम दृष्टा क्या था? अभी ये अनुसंधान का विषय है, इतने प्राइमरी स्टेज पे कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी अनुसंधान से सही स्थिति सामने आएगी मेरिट के अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा। साल तो वसानी बगाड़ दी थी।